छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से ही नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव सरकार बनने के बाद से अब तक 122 नक्सली ढेर हुए हैं, वही 415 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं, 423 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल समस्या का समाधान हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, पुनर्वास और विकास से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, विभिन्न आयामों में एक साथ पर कार्य चल रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार काम तेजी से बढ़ रहे हैं। वही बस्तर में विकास कार्यों को लेकर कहा कि 11 सड़कों के काम पूरे हो चुके हैं, वही 85 सड़कें चिन्हित की गई है। बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला एनकाउंटर हुआ है, जवानों ने मार गिराया है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात है कि 5 लाख की इनामी महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर की मेंबर है बार से मुए, ये वर्दी में पकड़ी गई, वर्दी में पकड़ी गई और 5 लाख का इनाम है। जवानों ने जब ये देखा कि गोली मारने के बिना भी काम चल सकता है तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है। आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में, और इस तरह कुल मृत नक्सली 122 है अब तक नई सरकार बनने के बाद, आत्मसमर्पित 415 है और गिरफ्तार 423 है। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से, माध्यम से पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। उनमें से एक विशेष बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे उस दिन भी स्पष्ट कहा था कि 257 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी, और उसमें से विगत 4 माह में 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया, 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है, 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण